तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास है 2021 मॉडल का हीरो की सबसे मोस्ट पॉपुलर बाइक जो कि है स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल, जिसे हीरो की तरफ से लॉन्च किया गया एक नए कलर वेरिएंट के साथ जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों ये जो कलर लॉन्च किया गया है इसे हम लोग गोल्डन एडिशन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके ऑफिशियली नाम की बात करें तो ये इसका है मैट सील्ड गोल्ड कलर जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। इसमें आपको पूरी बाइक आपको गोल्डन कलर में देखने को मिल जाती जो कि काफी फ्रेश कलर है। और ये जो कलर है ना ये बिल्कुल फ्रेश कलर है और बिल्कुल नया कलर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि 2021 मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल के मैट सील्ड गोल्ड कलर में कंपनी ने क्या क्या नए चेंजेस देखने को दिए हैं, क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है ना 2021 में कंपनी ने क्या रखा है, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है कंप्लीट बाइक आप लोगों को कितने में देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे इन वीडियो को मिस न कर सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कलर वेरिएंट के बारे में। सबसे पहले इस बाइक के नए कलर की बात करते हैं क्योंकि हम स्पेशली बात करने वाले हैं इस गोल्ड कलर के बारे में। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये जो बाइक है ना ये गोल्डन कलर में देखने को मिल जाती है जो कि काफी फ्रेश कलर है, काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आप देख सकते हैं हीरो का 3D एम्बर लोगो देखने को मिल जाता है सिल्वर कलर में, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और अगर हम बात करें इस बाइक के साइड काउल पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पैनल पे आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 3D एम्बर लोगो देखने को मिलता है जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो दोस्तों ये जो गोल्डन कलर है ना ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गौर से सुनिए, इसका जो एक्शन प्राइस चल रहा है इसके 2021 मॉडल स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल के मैट सील्ड गोल्ड कलर की, वो निकल के आ रही है 68,565 रुपीज एक्स शोरूम UP वाराणसी की प्राइस। और कंप्लीट 2021 मॉडल स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल आप लोगों को कितने में देखने को मिलेगी वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वॉक मिल जाता है, ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाएगा जिसकी साइज 130 mm का। ड्रम ब्रेक के बीच में आप सकते हैं दो वायर लगाया गया है, यानी कि इसमें आपको IBS सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसका यूज ये होता है कि अगर आप इसका रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका जो फ्रंट ब्रेक होता है ना वो ऑटोमेटिक कुछ परसेंट अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है ना वो स्लिप नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए इसमें आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर लगाया गया है, जो कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा अपडेट किया गया है। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिल जाता है 80/100 का, 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगी वॉक मिल जाती है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉस्ट सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के फ्रंट की बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट प्रोफाइल मिलेगी ना वही सेम आपको देखने को मिलती है, जो कि काफी प्यारी और काफी सिंपल लगती है देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हेडलाइट मिलेगा वही सेम आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब मिल जाता है। इसकी जो विजिबिलिटी मिलती है, इसकी जो रोशनी मिलती है ना, इसको लेके आप लोग को पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस बाइक के नाइट में राइड करते हैं ना तो इसकी जो विजिबिलिटी मिलती है, जो रोशनी मिलेगी वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए इसके जो साइड इंडिकेटर मिलेंगे वही आपको 10 वाट के इंडिकेटर मिल जाते हैं, जिसमें आपको बल्ब इंडिकेटर मिलते हैं, इसमें आपको LED के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हेडलाइट के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है व्हाइट कलर में, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आप देख सकते हैं लो एंड बीम का स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। स्विचेस क्वालिटी जो मिलेगी वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो साइड मिरर मिलता है ना वही आपको डेली कमीटर बाइक वाला देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके मीटर कंसोल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाएगी, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको साइड स्टैंड का आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ I3S इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको BS6 वाला मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का आपको I3S स्विच मिल जाता है, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिल रही है ये आपको पूरी तरीके से आपको गोल्ड फिनिश के साथ मिलती है, गोल्ड कलर मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। फ्यूल टैंक के दोनों साइड में
आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से हीरो का 3D एम्बर लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। तो दोस्तों इसका जो साइड से लुक निकल के आता है ना, काफी प्रीमियम और काफी सिंपल लगता है देखने में, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वर्क मिल जाती है 9.8 लीटर की, जो कि काफी अच्छी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें आप नीचे आप देख सकते हैं पावर स्टार्ट लिखा हुआ मिल जाता है, साथ ही साथ प्रोग्राम FI की बैचिंग देखने को मिल जाती है। यानी कि इसमें आपको जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलेगा वो आपको मिलता है प्रोग्राम्ड FI, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। इसका यूज ये होता है कि आपका जो पेट्रोल होगा वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी, और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होगा जितना कि आपके इंजन को जरूरत होगी। तो इसका सीधा असर आपके माइलेज पे देखने को मिलता है। तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा आपको पहले से और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम इसके माइलेज की बात कर ही रहे हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 50 से 55 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देगी। और अगर आप इस बाइक को नॉर्मल स्पीड में राइड करते हैं तो ये आपको 60 से 65 का भी माइलेज आपको आराम से देखने को दे देती है, जो कि काफी अच्छा माइलेज है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के माइलेज की बात, और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिल जाता है 97.2 cc का एयर कूल 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन देखने को मिलेगा। इसका जो मैक्स पावर निकल के आता है वो निकल के आता है 7.9 bhp का 8000 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिल जाता है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पे। तो दोस्तों इसका जो मैक्स टॉर्क है, इसका जो मैक्स पावर है ना, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको BS6 वाला पावर और टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इसका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि है एडवांस प्रोग्राम्ड FI, जो कि काफी अच्छा चेंजेस किया गया है BS6 के बाइकों में। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात, और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके साइड पैनल पे आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस का 3D एम्बर लोगो मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हैं i3s का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पीलियम फुटरेस के साथ साथ इसमें आपको लेडी फुटरेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये डेली कम्यूटर बाइक है तो इसमें आपको लेडी फुटरेस कंपलसरी है। तो आपकी जो घर की लेडीज होती है ना, वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो दोस्तों स्प्लेंडर प्लस के सीटिंग कंफर्ट को लेकर आपको कभी भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो पिलियन ग्रैबलिन मिलता है वो आपको काफी मजबूत ग्रैबलिन मिल जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं कैरियर मिल जाता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख के कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जो टेल लाइट मिलेगा वही आपको बल्ब टेल लाइट मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा 5/10 वाट का बल्ब टेल लाइट मिल जाता है। यानी कि इस बाइक में कहीं भी आपको LED का यूज देखने को नहीं मिलेगा, इस पूरी बाइक में आपको हाइलोजन और बल्ब का यूज देखने को मिल जाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वो भी आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी साइज है 130 mm का। यानी कि रियर और फ्रंट दोनों में आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि है 130 mm का। और इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिल जाता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। यानी कि जो फ्रंट टायर और इसका जो रियर टायर है दोनों ही आपको सेम टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं। और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिल जाता है 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉस्ट सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो हीरो की बाइक होती है ना, उनमें आपको कंफर्ट को लेकर कोई भी शिकायत पहले भी देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात, और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पे भी आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस का 3D एम्बर लोगो मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए इसका जो एक ब्रेक पैडल मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको एक रेलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपके पैर को इंजन से टच होने से बचाती है, जो कि एक नया अपडेट किया गया है BS6 के बाइकों में, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है हीरो की तरफ से। और यहाँ पे देखिए इसके एग्जॉस्ट के फ्रंट में आप देख सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 के सारी बाइकों के एग्जॉस्ट में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है पर्यावरण को साफ रखने के लिए। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात, और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिलेगा वॉक मिल जाता है 2000 mm का, इसका जो हाइट मिलेगा वॉक मिल जाता है 1052 mm का, इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिल जाती है 785 mm का, इस बाइक का जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिल जाता है 1236 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिल जाता है 165 mm का, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है। और इसका जो कार्बेट निकल के आता है, गौर करिएगा ये इसका सेल्फ और किक दोनों वेरिएंट है, तो इसका जो कार्बेट निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है 112 kg का। और अगर आप इसका केवल किक वेरिएंट लेते हैं तो उसका जो कार्बेट पड़ेगा वॉक बढ़ जाएगा 110 kg की वो बाइक देखने को मिल जाएगी। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है 9.8 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात, और वहीं अब बात करते हैं इस बाइक के फाइनली कंप्लीट प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, कि अगर आप लोग 2021 में स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल लेने जाते हैं तो आप लोग को कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो एक्सोन प्राइस है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा है, जो कि है 68,565 rupees एक्सोरूम UP वाराणसी की प्राइस। अब बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो लगभग आप मान के चलिए
81,000 से 84,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ना, ये आपको मैंने एक लगभग प्राइस बताया है, क्योंकि जो बाइक की प्राइस होती है वो हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो मैंने आपको प्राइस बताया है इससे आप लोग अपना एक बजट सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर्स, इसके ऑन रोड प्राइस जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो फीचर्स वाइज इस बाइक में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको BS6 वाली बाइक देखने को मिल जाती है। इसमें आपको एक नया कलर देखने को मिल जाता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। तो दोस्तों ये जो मैट सील्ड गोल्ड कलर है, यानी कि ये जो गोल्डन एडिशन लॉन्च किया गया है हीरो की तरफ से 2021 में, ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, ये नया कलर अच्छा लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है तो स्क्रीन पे आपको हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।